स्टॉक मार्केट है ना फाइनेंस की दुनिया है। अब फाइनेंस की दुनिया में ना आए दिन हर सेकंड हमें है ना हर एक चीज़ों से अपडेट रहना पड़ता है, और अपडेशन भी कैसा, अलग अलग न्यू चीज़ें है ना आती रहती है। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में ओल्ड होते जाते हो, यानी आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, और स्टॉक मार्केट में आप और ज़्यादा मतलब ओल्ड होते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आप और ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हो स्टॉक मार्केट में, तो वैसे वैसे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, न्यू चीज़ें आती है और आपको समझ में आता है। अब एक और एक चीज़ इसके सामने आई है कि कई सारे लोगों का कमेंट है कि ये डिलिस्ट हो गया है। देखिए मैं ना कुछ फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि कंपनी डिलिस्ट नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मंडे टू मंडे ट्रेड करेगी, यानी ओनली मंडे को ट्रेड करेगी और अभी अगले मंडे को करेगी। अब जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है कि आज वन डे के चार्ट पैटर्न में उसका कोई भी उसके अंदर है ही नहीं ट्रेडिंग। पाँच दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मंडे मंडे और मंडे मंडे को हमें यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पर पूरा मंडे का ही चार्ट पैटर्न है। देखिए यहाँ पर हमें टाइम दिख रहा है पूरे मंडे का, पाँच दिन में भी हमने देख लिया मंडे का टाइम दिख रहा है, बस टाइम दिख रहा है, डेट नहीं दिख रही है, क्योंकि हमें पता है कि पूरा यहाँ पर मंडे का ही है, पूरा वन डे का चार्ट पैटर्न मंडे का दिखाया है, तो ये अगले मंडे होगा। अब ये क्यों हुआ था ना, उन्होंने अपने डेट स्प्लिट पे नहीं किए थे और सेबी का जो उन्होंने जो फीस भरनी थी वो नहीं भरी थी, बट अभी है ना वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और उन्होंने अभी कहा है कि अभी बस हमें ना एक सेबी का हाथ चाहिए, यानी सेबी का एक नॉड रहता है ना, उनका मुँह है वो ऐसा नॉड होना चाहिए और वो नॉड का वेट कर रहे हैं। एक इशारा मिल गया, मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होगा। और एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्टॉक देखिए 25 पैसे का है, अगर आपने इसके अंदर है ना केवल 100 रुपये लगा दिए, 5 साल के लिए रख दिया, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। देखिए सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका रिजल्ट है ना मुझे तो लगता है कि अच्छा नहीं आएगा। इससे मतलब मेरा कैसे हो गया, मैंने क्या रिजल्ट देखाऊँ, नहीं ज़रा भी मैंने रिजल्ट नहीं देखाऊँ, तो मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ कि नहीं आएगा। देखिए सीधा रीजन है, TCS ने सबसे पहले अपना रिजल्ट पेश करी, कैसा रिजल्ट आया, कंसोलिडेटरी रिजल्ट आया। अगर आप बैलेंस शीट आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी, आप अगर स्टॉक मार्केट में डेली न्यूज़ कवर करते हो और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए भी हो ना, तो आपको पता चल गया होगा कि उसने कंसोलिडेटरी रिजल्ट पेश किया, और वो किससे बेस्ड कंपनी है, IT कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर। आप देखे होगे उसके आगे लिखा है सॉफ्टवेयर और दूसरी है IT कंसल्टेंसी, तो सॉफ्टवेयर है ना उसको एक इतना अच्छा मतलब मुकाम दिया गया है जो सॉफ्टवेयर है, और ये पूरी कंपनी है ना ये सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड बेस्ड है, बस इसका सॉफ्टवेयर सेक्टर में नाम है। तो यहाँ पर जो MPS इंफोटेक जो यहाँ पर हमें नाम चेंज होता हुआ दिखा है, तो ये डीलिस्ट नहीं हुआ है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि यार सेबी का ऐसा हुआ था एंड दैट इज़ वाई सेबी ने इन्हें मंडे टू मंडे ट्रेडिंग की यहाँ पर परमिशन दी है, नॉट दे कांट ट्रेड एवरी डे। ओके, तो अभी जल्दी ही हमें ये डेली ट्रेड होता हुआ दिखेगा, बट मैं आपको क्या कहूँ कि देखिए अभी इन्वेस्टर्स है ना जो आप मेरे जैसा वीडियो देख रहे हो उन्हें ही पता होगा, और जिसने भी वीडियो बनाया होगा या फिर बात की होगी तो उन्हें ही पता होगा, पर कई सारे इन्वेस्टर्स है ना ऐसे जो शिप रहते हैं एंड PIGs रहते हैं, तो वो है ना स्टॉक मार्केट में ना ऐसे ही घूमते रहते हैं और न्यूज़ बेस चलते रहते हैं, किसी ने कह दिया कि यहाँ पर IT सेक्टर है बूम होने वाला है तो वो बाय कर लेते हैं। अब देखिए बाय कर लिया उन्होंने 25 पैसे पर, और अगर वो यहाँ पर रिजल्ट कंसोलिडेटरी आ गया जिस तरह यहाँ पर PMC फिनकॉर्प में हुआ था और कई सारे शेयर्स में हुआ था, तो वो रिजल्ट कंसोलिडेटरी आने के चक्कर में वो 25 से अगर समझो यहाँ पर 15 हो गया, तो उनका तो पैसे का नुकसान हो गया ना। 15 से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25 का आधा 12 साढ़े 12 हो गया, तो वो क्या करेंगे, उनका 1 लाख अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर देख के 25 का 50 हो जाएगा और हमें पैसा मिल जाएगा, 25 पैसे का 50 पैसे होने में कितना ही टाइम लगेगा ना, वो उन्होंने वो देखा और इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पर देखा कि उनके पैसे आधे हो गए, उनका 1 लाख का यहाँ पर 1 करोड़ बनाने की साजिश चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, और यहाँ पर 1 लाख का क्या बन गया, 50,000, और अभी 50,000 से भी नीचे जा रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक है, बहुत ही वॉलेटाइल मूव होगा यहाँ पर, 5-5% का तो अपर सर्किट डाउनवर्ड सर्किट लगेगा, यहाँ पर सीधा यहाँ पर 25% का डाउनवर्ड सर्किट लग सकता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 20 पैसे पर एंटर किया है ना, 20 पैसे पर ये ओपन हुआ है, तो अगर ये यहाँ पर 15 पे चले गया तो यानी 25% नीचे चले गया, आप समझ रहे हो बात को, 25% है ना कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, 10 लाख का 25% होता है कुछ यहाँ पर 2.5 लाख तो ऐसे ही उड़ गए, समझ रहे हो आप, तो 2.5 लाख उड़ाना है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि
क्योंकि आईटी कंपनी विल डेफिनेटली बूम इन द फ्यूचर, बट वो ग्रेजुअली ऐसे चेंज होगा जो आप यहाँ पर मैक्स चार्ट पैटर्न देख रहे हो। अगर आप इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखो तो हमें पता चलेगा कि ये तो नेगेटिव में ही है, बट यहाँ पर हमें वन ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो किस तरह से इसने मूवमेंट दिया है, 150% का मूवमेंट। हमें वही मूवमेंट चाहिए, और वो मूवमेंट पाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंतजार करना होगा। ये ऐसे मतलब जनरली स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा, ग्रेजुअली ऊपर ही जाएगा, बट ऐसा नहीं कि एक ही बार में ऊपर चले गया, एक ही बार में नीचे आ गया। एक ही बार में नीचे आने को तो आ भी सकता है, एक ही बार में ऊपर आने को तो अगर फॉर एग्जांपल अल्फा लियोन ने 100 करोड़ अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिए या फिर 10 करोड़ कर दिए तो क्या होगा, है ना? 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी की वैल्यू सीधा डबल हो जाएगी या फिर क्या होगा? आप समझ ही सकते हो कि इसके अंदर ऑपरेटर्स कितना अच्छा सा अपना गेम खेल सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल फाइनेंशियल्स चाहिए ना तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता देना। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इनके जो नेट इनकम है यहाँ पर जुलाई क्वार्टर में वो कम हो गई थी। ये देखिए, जो मैं चीज़ आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पर ये ना इनकी अर्निंग्स 100% बढ़ जाएगी या फिर अर्निंग 100% गिर जाएगी। देखिए, अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 100% गिर गई। यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 124% गिर गया। यहाँ पर नेट इनकम है वो 131% गिर गई। तो फिर ऐसे ही होगा, और बढ़ेगी भी तो 250,000 ऐसी % बढ़ जाएगी, तो आपको ये चौंकना नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14 लाख का इनका रेवेन्यू है खाली, और नेट इनकम जो है वो है 1.5 करोड़ की नेगेटिव में। तो आप समझ सकते हो कि कैसा स्टॉक का है सीन। बट हमें कैसा है ना, यहाँ पर हमें देख के चलना है कि कैसी कंपनी चलती है। अभी फॉर्म हुई है 2007 में, यहाँ पर जो है 2007 का डेटा है। यहाँ पर 316 यहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, और अभी इसका नाम भी चेंज हो गया, विशेष से कई सारे उसके अंदर यहाँ पर MPS दिख रहा है। और मैं पर्सनली तो ग्रो यूज़ करता हूँ ओनली बिकॉज ऑफ डैट कि उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं होते, तो मुझे इतना आई एम नॉट इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ज़्यादा, बट कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए मैं ज़ीरोधा यूज़ कर लेता हूँ। बट ग्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगनर्स। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको ग्रो रेकमेंड करूँगा ओनली बिकॉज अगर आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लेते हो ना तो उसमें आपको है ना जो यहाँ पर भरना पड़ता है अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC चार्ज, वो नहीं भरना पड़ता है, ये जीरो था में भरना पड़ता है लेकिन ग्रो में नहीं भरना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, फ्री में ऐप यूज़ करने मिलता है आपको। और अगर हम यहाँ पर बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर रैली बहुत बुलिश है, और ये सारी चीज़ें पेनी स्टॉक में मैटर ही नहीं करती है, बट जो मैटर करता है वो रेजिस्टेंस मैटर करता है। देखिए, अब 28 से 30 का लेवल दिखा रहा है ये, और हमें तो पता है कि स्टॉक यहाँ पर 20 से 25 हो जाता है, फिर 25 से 30 हो जाएगा। यहाँ पर 23-27 ऐसे लेवल्स नहीं ही दिखाएगा स्टॉक। अगर हम बात करें यहाँ पर टुडे के यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 17 करोड़ की यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस ऐसा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको एज्यूम करना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आई विल एडवाइस यू टू गो फॉर इट। और यहाँ पर दिखाया है कि सम प्रेजम्पशंस एंड पॉसिबिलिटीज़, नंबर वन, द कंपनी में बी गोइंग फॉर बैंकरप्सी और गेटिंग क्लोज, दैट इज वाई सच इनोवेशंस ऑफ शेयर्स टू गेट एटलीस्ट समथिंग। और यहाँ पर लिखा है कि द कंपनी मस्ट हैव सम गॉट थ्रेटन्ड फ्रॉम SBI SEBI और BSE दैट इट वॉज हाई एंड NBSP, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर इनके अनदर यहाँ पर इन्वोक्ड हो गए थे एंड रिजल्ट ऑन 30 अगस्त CBSE अनाउंसमेंट। तो हमने यहाँ पर पता है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 13 अगस्त, जी हाँ 13 अगस्त, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर TCS का रिजल्ट आने वाला आया था, और वो रिजल्ट के बारे में बताया ना, तो 13 अगस्त को इनका रिजल्ट आएगा। और मुझे तो नहीं लगता है कि प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, तो उसी की वजह से कई सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बढ़ोतरी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, ताकि उनका पैसा डबल हो जाए ना प्रॉफिट आने के बाद। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रॉफिट बढ़ोतरी होगी, तो आपको यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी देख के चलनी है। अगर आप अभी खरीद रहे हो और ऐसा हुआ कि रिजल्ट के टाइम पर ज़्यादा पैनिक हो गया और प्रॉफिट जो गंदा आया तो स्टॉक धड़ाम से नीचे आ सकता है, तो आप तभी बाय कर सकते हो। बट अगर आपको अभी रिस्क लेना है, आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, 100-200 लगा के छोड़ दो, फिर रिजल्ट आने के बाद अगर वो 200 का 400-500 हो गया तो आपको फ़ायदा ही है, तो फिर से आप वो पैसा उसके अंदर लगा सकते हो। या फिर अगर आपने अभी थोड़ा डिप में बाय किया, फिर अगर वो कम हो गया तो फिर से आप डिप में बाय कर सकते हो, है ना? तो ये ओवरऑल आपके फ़ायदे के लिए ही यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट और पार्शियल लॉस बुक होगा, और आपका मतलब अच्छा खासा यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये स्टॉक के बारे में नहीं पता था और आप अभी तक स्टॉक के वीडियो में बने हुए, तो मैं आपको सही कहता हूँ कि यहाँ पर आपका पैसा बनाने का मौका है, बहुत ज़्यादा रिस्क है और रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा मत लगाए। पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ ले। जय हिंद, जय भारत।